नमस्कार, आप देख रहे हैं अदी टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान इश्तियाक अहमद। जैसा आपको पता है कि जो कोरोना वायरस यहां पर फैला था, उसकी वजह से जो पार्क्स एंड गार्डन्स हैं वो बंद पड़े थे। गवर्नमेंट की तरफ से गार्डन था तो उनको बंद रखा गया है, आज भी बंद है। लेकिन आज हम आपको आए हैं यहाँ मानसबंद लेक में, जहाँ आपको सैर करवाएंगे इस पूरे मानसबंद लेक की, कैसे यहाँ पे लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। अगरचे गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है पार्क्स एंड गार्डन्स के रिलेटेड खोलने के रिलेटेड कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन लोग जो है, चूँकि गर्मी बढ़ गई है, दर्ज हालात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लोग घरों से निकलते हैं, जो सेहत अफज मुकाम है वहाँ की सैर करते हैं और वहाँ पर इंजॉय करते हैं। यहाँ पे हम आए हैं मानसबल जो झील है, जो श्रीनगर से कम ही दूरी पे है, जहाँ पे टूरिस्ट का भी बहुत रश लगा रहता है। यहाँ पे लोगों से हमने बात की तो लोग काफ़ी खुश हैं। लोग कह रहे हैं कि जो अब कोरोना वायरस है वो डिक्लाइन पे है, अब वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ये ऑर्डर्स पास हो कि ये जो सैर तफरी के लिए वो आते हैं कहीं पार्क्स में गार्डन्स में, उनको खोल दिया जाए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, ये जो पूरा लेक है ये मानसबंद झील के नाम से काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे लोग जो है शिकारा राइड के लिए जाते हैं और यहाँ काफ़ी जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पे बेरोज़गार लोग हैं, उनके लिए रोज़गार मुहैया होता है। उन झील को देखते हैं, बच्चों को शिकारा राइड करवाते हैं या दूसरी चीज़ों में लोगों को एंटरटेन करते हैं, उनका भी रोज़गार यहाँ पे होता है। इसी तरह से यहाँ पे SDRF, अगर हम देखेंगे SDRF की तरफ से एक रेस्क्यू जो मोटर बोट्स है वो उनको रखा गया है, ताकि अगर कोई खुदा ना खासा कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो इस लेक में, तो इनकी टीम बाज़ाब्ता यहाँ पे है, ये 24 घंटे यहाँ पर रहती है और लोगों को रेस्क्यू करती है। आइए हम आपको सैर करवाते हैं इस चीज़ के लिए। This is your the back side. Yes. तो जो पूरा झील है यहाँ पे आज भी लोगों का रश आप देख रहे हैं, लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं अपनी जो वो आए हैं यहाँ सैर व तफरी के लिए। काफ़ी लोग आए, चाहे वो श्रीनगर सिटी हो, चाहे दूसरे आउटस्कर्ट्स हो, नॉर्थ कश्मीर हो, वहाँ से लोग यहाँ पे सैर व तफरी के लिए आते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ रेस्क्यू के लिए SDRF की तरफ से बाज़ाब्ता दो मोटर बोट्स रखी गई है, इनका अमला यहाँ पे अवेलेबल रहता है, जो लोगों के लिए अवेलेबल रहता है। 24 घंटे वो यहाँ पे रेस्क्यू के लिए तैयार रहते हैं। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो, उदाहरण खासा इस लेक में जो लोग जाते हैं, विंड्स बहुत चलती है, तो लोग जो मिडल में पहुंच जाते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात दरपेश होते हैं, लेकिन ये SDRF की टीम, ये जांबाज जो है हमारे, ये वहाँ पे पहुंच जाते हैं और उनको रेस्क्यू करते हैं। ऐसी सिचुएशंस जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की, ऐसी सिचुएशन उन्होंने कहा कि काफ़ी मर्तबा ऐसी सिचुएशन हमने देखी है जब हमें रेस्क्यू करना पड़ा, लोगों को विंड्स काफ़ी चलती है, तब ये बहुत लोगों को इन्होंने आज तक बचा लिया है। ये काफ़ी ये कुछ लोग जांबाज दो तीन हैं, ये हमारे ड्राइवर हजरात हैं, ये अपनी ज़बानी बताएंगे कि कितना मुश्किल है ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता। या आप बताएं आपका नाम क्या? मेरा नाम सर परवेज अहमद। परवेज साहब बताएं, जो आप यहाँ पे मोटर बोट्स के ड्राइवर हैं, एक मोटर बोट के, यस सर, तो ऐसी सिचुएशन अगर बनती है खुदा ना खास्ता, तो कैसे रेस्क्यू करते हैं आप? ये सर एक्चुअली हम रेडी रहते हैं बोट में कि कहीं अनटोवर्ड या हवा अचानक से आ जाए, विंड्स आ जाए, या कोई नाव कैप्साइज हो जाए, उस टाइम हम रेडी रहते हैं। एक या दो मिनट का फैसला रहता है हमारे पास, हम उसके लिए रेडी रहते हैं। और खुदा न खास्ता जब नाव अगर पलट गई या दो पलट गई, विंड अचानक से आ गई, हमें उस टाइम ये लाइफ सेविंग जैकेट्स अवेलेबल रहती है, हमें ये लाइफ टी अवेलेबल रहते हैं, ताकि हम रेस्क्यू करें। यहाँ इसमें हम 8-10 उठा सकते हैं आराम से, और जो लाइफ ट्यूब हमारे पास है, ये अगर एक दो दूर होंगे उनको लगाकर उनको भी बचा सकते हैं। ये आपको चला के दिखाएंगे, ये जो बोट है कैसे चलती है, और अगर ये कहीं बीच में पहुंच जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ता है, तो कैसे कर रहे हैं ये बिल्कुल चला के देखेंगे। यहाँ पे इनका ये बाज़ाब्ता स्टार्ट करते हैं इस मोटर बोट को, फिर ये झील में जाते हैं। जैसा मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, जो यहाँ से बोट्स हैं चलती रहती है। सिचुएशंस ऐसी कई मरतबा ऐसी क्रिएट हुई है आज तक, जब इनको लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा और बचाना पड़ा। ऐसी सिचुएशंस यूजुअली नहीं होती है, लेकिन जब विंड्स, क्योंकि आजकल बहुत विंड्स चलती है, उस टाइम पे इनको रेस्क्यू ऑपरेशन में जाना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं, ये एक ड्राइवर है, ये हमारे दूसरे जवान हैं,
ये अलर्ट रहते हैं, इनके पास बाज़ाब्ता लाइव सेविंग जैकेट्स हैं जो ये लगा के रहते हैं और लोगों को रेस्क्यू करते हैं। आप बताएं आपका क्या रोल है इसमें, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरुनाथ है, मैं एक रेस्क्यूअर हूं, बोट ड्राइवर। तो आपका क्या रोल बनता है जब ऐसी सिचुएशन आती है? हम अलर्ट रहते हैं के बीच में फंस गई हो तो उसके लिए भी आप अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल अवेलेबल होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको पूरी सहायता मिलती है इस चीज़ के लिए। तो आप इस टीम में कितने लोग होते हो? हम इस यहाँ तीन रेस्क्यू करते हैं। थोड़ा सा ऑपरेशन दिखाएंगे अगर ऐसी सिचुएशन आती है कैसे करते हो और क्या रोल क्या है, कैसे करते हो और वो ट्यूब जो वहाँ पर लगा है इसका क्या रोल है, इससे आप क्या करते हो? जी हाँ नाज़रीन, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो रेस्क्यू टीम है कैसे रेस्क्यू करती है। ये एक ट्यूब है जिसके ज़रिए ये लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू करते हैं। ये बाज़ाब्ता जो ही ऐसी सिचुएशन आती है इस ट्यूब से, ये इनसे ही जानते हैं शिकारा अगर कैप्चर हो गया, मतलब दो शिकारे हो गए, एक तो हम एक के पास पहुँच गए, दूसरे पास पहुँचना मुश्किल है। उसमें हर एक पोजिशन में ही होता है, एक दो अगर आएगी थोड़ा आगे आकर तो इसको पकड़ लीजिए, दो अगर उधर ही पड़े रहेंगे तो हम इसके सहारे इनको रेस्क्यू कर दें। सर ये आप पानी में डालते हैं और हाँ सर उसको ये मारना पड़ता है, हम सफल होगी पर दूर हमें फेंकना पड़ता है। हाँ हाँ, ये कब से ये जो यहाँ पे 2018 से 2018 से ऐसे शुरू की गई और नई बोट्स हैं जो बिल्कुल चलती रहती हैं। यस सर, कोई इशू ऐसा नहीं है? चलिए नाज़रीन, आपने देख लिया कि कैसे ये लोग जो है लोगों को रेस्क्यू करते हैं। ये झील काफ़ी मशहूर झील है, इसका पानी काफ़ी क्लीन माना जाता है, लोग बहुत सैर तफरी के लिए आते हैं यहाँ, बहुत सारे पार्क्स बनाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ऐसा मानना है लोगों का कि गवर्नमेंट को मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए मज़ीद इकदाम करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताता चलूँ कि लोगों की ये डिमांड है कि अब कोरोना जो है वो कम पड़ा है, यहाँ पे केसेस बिल्कुल कम है, गार्डन्स को ओपन किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे यही महीना जो है जुलाई का महीना लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं, सैर तफरी के लिए जाते हैं। मैं आपको और बताता चलूँ कि हमने आज मुनासिब समझा कि हम यहाँ सैर तफरी के लिए जो लोग आते हैं उनसे भी हमने जानने की कोशिश की, वो काफ़ी खुश दिखाई दिए, क्योंकि नाज़रीन आपको पता है पिछले दो साल जो है लोगों को काफ़ी मुश्किलात जो है कोरोना की वजह से उठाने पड़े, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत लोग कोविड में मुब्तला हुए, बहुत लोग इस कोविड की महामारी से जिन्होंने अपनी जान गंवाई। लेकिन अब चूंकि डेकलाइन पे हैं केसेस, लोग इस चीज़ को अब समझ रहे हैं कि शायद ये महामारी है, ये इस दुनिया से क्या कश्मीर से ये चली जाए और दुनिया से भी चली जाए। मैं आपको और एक बात बताता चलूँ कि ये जो पानी है काफ़ी साफ माना जाता है, टूरिस्ट है आउटसाइडर्स बहुत ज़्यादा यहाँ आते हैं, हमने बहुत सारे आते आते जब हम यहाँ आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट बाहर के भी यहाँ हमने देखे जो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। नाज़रीन इसके साथ ही मैं आपको और एक बात बताता चलूँ, ये जो बोट है ये मेरा कैमरामैन दिखाना चाहेगा आपको, यहाँ पे लोग जो है लोकल जो है काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, ये आगे सैर तफरी के लिए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये जो हमारा जो ये वीडियो है ये काफ़ी पसंद आएगा, आगे और भी हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।